प्रभु मुद्रिका में जंत नांद गे अजर नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहो तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का भूको डरना अर्पण तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मंत्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सेठ जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम भलारे कष्ट सिद्धि निजी के दाता असुर दीन जग की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी कपावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता चैतन धराई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान को साई कृपा करो गुरुदेव की न्याई जो सत बार काट कर कोई छूटे बंद महा सुख होए जो जय पड़े हनुमान तुलसा हुए सेठ साखी गोरीसा तुलसी दास सदा हरि तेरा कीजे नाथ प्रेम डेरा भवन तनिया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुर रूप सियावरि राम चंद्र की जय सियावरि राम चंद्र की जय राधवर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत महावीर की जय बोलो सब संतन की जय बोलो सतगुरु श्री ठाकुर लाल महाराज की जय कथा प्रारंभ होत है सुनो पीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण सियावरि राम चंद्र की जय सियावरि राम चंद्र की जय राधवर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत महावीर की जय के बोलो सब संतन की जय जगत नूं पवित्र करन वाली जो राम कथा महा जी कथा जिहड़ी हैगी है जो भी सुनते हैं मन चित दे नाल महाराज उहदे सारे मनोकामना पूरियां करदे हैं और जब कहते हैं मूल मन लोचनी इस मुजत सुख दसनत गय मोचनी मंदोदरी मन महु मास खायो यह काल बस मति धर्म पायो हे ब्रजनी तेरी बातें बड़ी दूर है समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय को छुड़ाने वाली है ये ऐसी कथा है जिहड़ी महादेव भय नूं छुड़ाउण बण गए कहिंदे जिहड़ी मंदोदरी जो इस तरह गल्लां कही ना मंदोदरी मन में ऐसा निश्चय कर लिया
कहते जरा ये रावण इस तरह जरा है जो गल कर रहे हैं भी ये पर काल का जो असर है वो हो गया क्योंकि काल वास होने के नाल जरा मति भरम हो जाता है भरम कुछ पै जाता है इंसान रे भी तरह विनोद बहु रात प्रगट दस गंद सहज असंक लंकपति सवा के ओ मद अंद सिया परिराम चंद्र की जय सिया परिराम चंद्र की जय कहे इस तरह जदों गल्लां होईयां मंदोदरी दे नाल रावण दियां और कहते ऐदा करते करते सारी रात बीती सवेर हो गई और कहते मेरे सुभाव के नाल ही निडर होके कहते है घमंड के अंधा होया वा जो घमंड होता है वो अन्ना हो जाता है क्रोध के भी बंदे की जी है जो सोचने शक्ति खत्म हो जाती है जिन्ना मर्जी समझदार हो गए जब क्रोध आता सब कुछ जो है क्रोध भी नष्ट हो जाता और कहते रावण इतना घमंड अन्ना से वो अन्ना होके कितने गया सभा के गया कहते जदों के बादल अमृत सा जल बरसाते जेडे बदल होंगे बदलों के पिछे जो सू जल बरसता वह अमृत की तरह है तो भी वेद पूर्णता फलता नहीं जरा एक वेद हों जिना मर्जी बदल हो जाए बारिश हो जाए जरा वेद है वो नहीं फलता फलता इसी प्रकार कहते हैं चाहे कहते हैं ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिल जाए जिन्ना मर्जी कहते गुरु मिल जाए ज्ञानी बहुत तगड़ा है इन्ना ज्ञान हो ब्रह्मा की तरह तो भी कहते बोल के हिलते आवे चेत नहीं होता जब मूर्ख जरा होता वह ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं बथेरा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं गुरु भी क्या करे गुरु ज्ञान देता है सब कुछ देता है पर समझने वाला है समझना चाहिए जो मूर्ख अगर ज्ञान करे जो मूर्ख गल मानते या प्रात जागे रघुराई भूषा मत सब सच बोलाई यह जी रावण की गल हो रही थी सभा च आ गया और इधर क्या है गया सवेर पर्वत के उपर महाराज जी राम जी जे है बैठे है वह प्रात काल हो जो सवेर हुई तो महाराज जागे जो जागे है हूँ उन्होंने जागे तो मंत्रियों को बुलाया फिर मंत्रियों ने ना सलाह जी करके पूछया कहते महाराज कहते शीघ्र कहते जल्दी तो जल्दी कहते दसो हमने भी सानू क्या उपाय करना चाहिए जवान ने कहना है क्या श्री राम जी के चरणों के सिर दुआ के जवान ने मत्था टेकया महाराज मत्था टेक के फिर किया कहते सुनो सर्व क्या सकल उर्वासी बुद्धि बद तेज धर्म बुद्ध राशि राम ये सर्व क्या महाराज जी सर्व नहीं सब कुछ जान वाले हो सर्वज्ञ आ गए और हे सब के हिरदे बसने वाले अंतर्यामी तुम महाराज सारे दे हिरदे की गल जानते हैं तुम ऐसा नहीं महाराज कोई भी मन च सोचता हो मैं किसी ने कुछ दसना नहीं है तुम तो महाराज घट घट के जान सकते बुरे के पीड़ पहचान सब कुछ जानते हैं हे बुद्धि बल और तेज धर्म और गुणों की राशि महाराज तुम बुद्धि के चतुर हो बहुत बुद्धि थोड़ी है बल के भी तेज भी थोड़ा बहुत है महाराज धर्म के चलन वाले है तुम गुणा की राशि है गुण भी थोड़े च बहुत है महाराज सुनी है मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं जिंदी महाराज जो बुद्धि राखी है जब मान जी कहते मैं अपनी बुद्धि के हिसाब ही दसागा कुछ के बाली कुमार अंगद बाली का पुत्र कौन अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए
जय अच्छी सवाल सबके मन को पूछ ले। सवाल ही जमा जितने भी मंत्री बैठे थे उन्हें सारे जी है जबान की सलाह है बहुत ही ज्यादा चिट्ठी लगी। कृपा के निधान कहते हैं सर्व सारे कृपा कर वाले श्री राम जी और फिर अंगद बोले क्या अंगद बोले कहते हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाए अंगद तू लंका जा तुमको बहुत समझाकर क्या कहो कहते मैं जो समझाकर पावन दसी जावा भी आ करना चाहिए वो करना चाहिए कहना मैं इन्ना तुम क्या कहना मैं जानता क्या सब कुछ जानता हूं मैं क्यों तू परम चतुर है जेड़ा कोई बुद्धिमान हो चतुर हो ज्यादा समझाने की लड़ नहीं पैंती है कहते भी महाराज कहते अंकद तू तो बहुत समझदार है तेरी बुद्धि बहुत है शत्रु से कहना वही बात करना तू जाके तू चले लंका जा और जाके कहते उसे वही गल करती क्या गल करती है जिदे नाल सजा साडा काम है वो बन जाए और उसका कल्याण हो जाए कल्याण कि राम होता प्रभु आ गया दर इस चल नंबर अंगद उठो सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर कर प्रभु की आज्ञा जो महाराज की आज्ञा कर गई ता सिर पर चढ़ा के मनी है और कहते उनके चरणों की वंदना करके महाराज के चरण की वंदना की अंगद है अंगद उठे अंगद उठे और बोले ने भगवान श्री राम जी आप जिस पर कृपा करें जिसे पर महाराज जी कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है जे कोई दाए तुम ऐसा नहीं महाराज जी भी कृपा करते हो जे कोई मूर्ख भी है मूर्ख तुम सब कुछ बना सकते हो रंग नाहा उनाहा तबाहा परे श्री माहा तुम चाहिए तुम ऐसा नहीं महाराज है सब कुछ करने वाले हैं जिन्हों महाराज अवतार करे बलकार को छिद में कोई देवे बराबर आप जरा जरा की जो तारी करे ऐसी यारी से यारी किसे क्या करना महाराज खोटे का बराबर कोई है ही नहीं स्वामी के सब कार्य अपने आप से करें जिन्हें महाराज के काम है असि सोचते भी महाराज का काम मैं करना महाराज ने सानू अगे किया करने वाले तो आपे या करने क्रम आपे आप मान सके कुछ ना हाथ बंदे हाथ कुछ नहीं है जय तो प्रभु ने मुझको अंत किया है अंगद जी कहते महाराज जब तुम मैं कम दिता मैं आदर मेरी इज्जत मान करने वास्ते कम दिता जो मुझे अपने कार्य भेज रहे हैं महाराज ऐसा विचार कर जो बड़ा जो अंगद का हृदय अंगद के हृदय हृदय बहुत ज्यादा खुशी हो रही वह शरीर भी पुलकित हो गया रो रो खड़े हो गए चरणों की वंदना करके महाराज ने चरणों की वंदना की और भगवान की प्रभुता हृदय में धर के महाराज की प्रभुता भी महाराज मेरे प्रभु उसे अपने हृदय में धर के अंगद सारियां नूं सिर दबा के मत्था टेक के फिर उत्ते तो चले गए प्रभु के प्रताप को हृदय में धर लिया है महाराज के प्रताप को अपने हृदय में धारण कर लिया और कहते कहते रन वांग प्रेमी बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है कहते बाली के पुत्र अंगद को डरे नहीं जिस दिन के हिरदे महाराज निवास कर रहे हैं डर कोई नहीं है डर कहते भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जब तक निरंतर हनुमत वीरा महाराज ने जब भगत है उन्होंने जी महाराज की शक्ति भगने वाले भगतों में क्या कहते हैं भगतों की बातों को सच्चा तू करता या वेदों ग्रंथों ने गाई हुई है भगतों की गल भी महाराज मननी पैंती है क्योंकि महाराज जी की प्रभुता जो अपने हृदय में धारण करते हैं महाराज की भगती हृदय में धारण करते तो महाराज की वो गल मननी पैंती है उन्होंने किसी प्रकार का कोई डर नहीं जाता
लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो लंका जी गए रास्ते में क्या होया, रावण के पुत्र ना मिलाप हो गया, भेंट हुई। जो वहां खेल रहा था, रावण का पुत्र खेल रहा से, कदे पातों ही पातों आए, गल्ला गल्ला दे विच ही दोनों दे विच झगड़ा हो गया। वो झगड़ा बढ़ गया क्योंकि कहना दोनों ही अतुलनीय थे, बलवान थे, दो ही कहते बहुत ज्यादा बलवान थे, तगड़े थे, और दोनों की जो अवस्था थी बहुत जवान सी, कहते दोनों आपसी झगड़ा झगड़ा होया। उसने अंदर पर लात उठाई, रावण के मुंडे ने अंगद पर लात उठाई, यही अंगद क्या है लात उठाई, कह पद पट के घूम ही आई। जलो अंगद पर लात उठाई, उन्हें अंगद ने क्या किया, वही उसका पैर फड़ लिया, रावण मंत्र का पैर फड़ के उन्होंने घुमा के जमीन के ऊपर पट दिया। जब धोबी कपड़े धोते उसके कपड़े का उसका मारिया घुमा के जमीन के ऊपर मार गिराया, कहते राक्षस से के समूह भारी योद्धा थे, चल जिन्हें राक्षस के समूह थे उठे है इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखे वो योद्धा बहुत तगड़ा है, वो देख के सारे उठे तो भज गए दौड़े, वे डर के मारे उन्हें पुकार भी ना बचा सके, आवाज भी नहीं निकली मुंह चो, डर के भजे एक एक मन मरहु न करनी, समूझे दासुबद चुप कर रहे हीरा, एक दूसरे को मरम नहीं बतलाते, वो भजदा गए अच्छे तो पर वो अपने मन की गल दसते भी साढ़े मन च कि डर है भी असि भी क्यों भजे है। रावण के जो पुत्र का जो पद समझ गया हनुमान जी जो मार दिता ना रावण का पुत्र, उस वे अंग जी ने जो मार दिता तो सब चुप चाप मार कर रह जाते हैं अपने मन से सोच जब गल रह गई दसा की समझ। रावण पुत्र की मृत्यु जाने चले, जो रावण पता लग गया मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, राक्षसों को बह के मारे भगते देख कर जिन्हें भी राक्षस थे वो डरे हुए भज रहे थे। जो रावण ने देखा तो नगर भर में कहता हर कोलाहल मच गया, हर हर पासे हाहाकार मच गई, जिसने लंका जलाई थी यही सोचते थे जिन्हें लंका जलाई थी उन्हें फिर उ आ गया, फिर सब अत्यंत भयभीत होकर सारे बहुत ज्यादा डर गए, विचार करने लगे आपस में गल्ला कर लग पे, कहते पिता तो आप ना जाने क्या करेगा, कहते पहला भी आया सी पहला कितना कुछ कर गया लंका बच्चा भी हूँ फिर आ गया भी लगता हूँ, कहते विधाता कहते उल्ट हो गया खाते भी बिना पूछे ही कहते कहते है अंगद को राह बता देते हैं। जो अंगद जी पूछ रहे हैं रावण का रास्ता भी कि रावण वो डरते मारे सारे अंगद को दसी जाते हैं रास्ता, जिसे ही पे देखते हैं जिधर देखते हैं अंगद जी वही डर के मारे सुख जाता है, डर के सारे गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंज सिंह ठवन इत उत चितव वीर वीर बल कुंज सिया पर राम चंद्र की जय, सिया पर राम चंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों को स्मरण करके अंगद जी ने महाराज के चरणों को याद किया, याद करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर आ गया और वे वीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी कहना शेर होगा डरता नहीं है, इसे तरह उठे खड़ा और देख के इधर कदे इधर के उधर देख रहा, सारे पासे जो देख रहा अंगद जी तुरंत ही कहना उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया, राक्षस कहे जाके दसो कि मैं अंदर आया। सुनते ही रावण हंस कर बोलिया, रावण कहता बुलाओ लाओ कहता कहां का बंदर है,
ਦੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਏ ਸੋ ਪਾਈ ਦੂਤ ਬਹੁਦਾਏ ਕਾਪੇ ਗੁੰਜਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਰੇ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਕੇ ਸਮਾਨ ਅੰਗਦ ਕੋ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਬਲ ਅੰਗਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵਣ ਉਹ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਰਾਵਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜੁਗਤ ਸਚੀਵ ਕਾਲ ਜਗ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਿਆ। ਬੁਝਾਏ ਬਖਸ਼ੋ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਪਰਤੋਂ ਕੇ ਛੋਟੋਂ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਅੰਗਰ। ਰਮਾਵਲੀ ਮਾਨੋ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਤਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਕ ਨੇਤਰ ਔਰ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨੱਕ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅੰਗਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਸਵਾ ਮਨ ਨੇਕ ਨਾ ਮੂਆ ਬਾਤੇ ਤਨਿਆ ਅਤਿ ਬਲ ਬੰਕਰ ਰਾਮ ਅਤਿਅੰਤ ਬਲਵਾਨ ਬੰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਹੈ ਬਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਨੀਚ ਚ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਦਸਕੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੈ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਵਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਯਥਾ ਮਤ ਗਜ ਜੂਤ ਮਹੁ ਪੰਚਾ ਦਿਨ ਚਲ ਜਾਈ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਮਰੇ ਮਨ ਬੈਠ ਸਵਾ ਸਿਰ ਉਤਾਈ ਸਿਆ ਬਲ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ ਸਿਆ ਬਲ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹਾਥੀਓ ਕੇ ਝੁੰਡ ਮੇਂ ਜਿਹਦਾ ਹਾਥੀ ਮਤਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੋਣ ਖੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਹਿਰਦਿਆ ਮੇਂ ਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਵਾ ਕਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਬਾਂਦਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦੱਸ ਗਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਘੁਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੇ ਔਰ ਤੁਮ ਸੇ